नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। पंचांग के अनुसार आज 5 मार्च 2022 शनिवार को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज का दिन शनि देवता को समर्पित है। इस दिन कुछ राशियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेगा। आज रेवती नक्षत्र है। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आप सभी का आज का राशिफल। मेष राशि, आज के दिन मन मुताबिक कार्य न बने, जी जान लगाने से भी आवश्यकता पड़ सकती है। हनुमान जी का ध्यान करें। कर्म क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ पुनः कार्य करें। भविष्य में सफलता की पूर्ण संभावना है। थोक का व्यापार करने वालों को सावधानी रखनी होगी, वरना आर्थिक चोट पहुंच सकती है। फुटवेयर से संबंधित कारोबारियों को लाभ होने की संभावना है। अगर कई दिनों से स्किन एलर्जी की समस्या से परेशान है तो जंक फूड का सेवन करने से बचते हुए ताज़ा फलों व जूस का सेवन आपकी त्वचा को तरोताजा रखेगा। बड़े भाई से परिवार को लेकर वार्तालाप हो सकती है। वृष राशि, आज के दिन की शुरुआत थोड़े मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन दिन के अंत तक स्थितियां पुनः संभलती नजर आएंगी। ऑफिस में कार्य का भार अधिक होने के कारण चिंता में रहेगा। यदि नियमबद्ध तरीके से कार्यों की सूची तैयार करेंगे तो परेशानी से निकल पाएंगे। जनरल स्टोर से संबंधित कारोबार करने वालों को वर्तमान समय में अधिक माल स्टोर करने से बचना चाहिए। युवाओं को करियर पर फोकस करने की आवश्यकता है। बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य में नरमी रहेगी, लेकिन इसे अनदेखा ना करते हुए तुरंत उपचार करना बेहतर होगा। परिजनों के साथ हंसी मजाक में दिन व्यतीत होगा। मिथुन राशि, आज के दिन चिंताओं से निकलने के लिए स्वयं रास्ते खोजने चाहिए। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज सहयोगियों से वार्तालाप करते समय विनम्रता का प्रयोग करें, अन्यथा कठोर वाणी आपका दिल दुखा सकती है। व्यापारियों को वर्तमान समय को देखते हुए धैर्य के साथ रहने का प्रयास करना सही रहेगा, अन्यथा इसका असर व्यापार व स्वास्थ्य दोनों में देखने को मिलेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों को अपना ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा यह दिक्कत परेशानी का कारण बनेगी। नए रिश्तों में हामी भरने से पहले जांच पड़ताल कर लें। संतान की संगति पर पहले निगाह रखें, उनका बदलता व्यवहार आपको परेशानी में ला सकता है। कर्क राशि, आज के दिन ग्रहों की माने तो दूसरों पर अत्यधिक भरोसा परेशानियों तक ला सकता है। ऑफिशियल कार्यों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। खुदरा व्यापारियों को बड़े मुनाफे हाथ लग सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ज़रूरत से ज़्यादा माल स्टोर ना करें, अन्यथा घाटा का सामना भी करना पड़ सकता है। जिन लोगों को कफ से संबंधित दिक्कतें हैं वह अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। माँ के स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें। जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, साथ ही मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होगा। विवाह योग्य लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है। सिंह राशि, आज के दिन महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना भी एक प्रकार से लाभ का ही रूप है। ऑफिस के सहकर्मियों को से पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा, जिससे ऑफिशियल वातावरण प्रफुल्लित रहेगा। उच्च अधिकारी भी आपकी प्रसन्नता करेंगे। बड़े व्यापारी वर्ग को वर्तमान की स्थिति को देखते हुए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य रखते हुए कार्य की प्लानिंग करनी होगी। नृत्य एवं गायन से जुड़े लोगों को प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें भी अलर्ट रहने की सलाह दें। गंभीर स्थितियों में परिवार के लोगों से बातचीत करें, साथ ही सकारात्मक माहौल बनाते हुए सबको प्रसन्न रखना होगा। कन्या राशि, आज के दिन सारा दिन तनावग्रस्त रहेंगे, ऐसे में मन को शांत रखते हुए प्रभु भजन में ध्यान केंद्रित करें। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो बॉस के कार्यों को प्राथमिकता दें, अन्यथा यह वह नाराज़ हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वालों को सामान को रीचेक करके लेना चाहिए, नहीं तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। युवाओं को अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। हेल्थ की बात करें तो मौसम के बदलाव के चलते डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। बड़ी बहन से संबंध प्रगाढ़ होंगे, उनसे कोई महत्वपूर्ण सलाह भी मिल सकती है। तुला राशि, आज के दिन लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, तो वहीं दूसरी ओर यदि कार्य ना बने तो उसे हार मनाने के बजाय उससे दो दो हाथ कर विजय प्राप्त करें। सकारात्मक विचारों का साथ ना छोड़ें। कार्यों को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। जो लोग भगवान के वस्त्र आदि का कारोबार करते हैं उनको लाभ होने की पूर्ण संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। पेट संबंधी दिक्कत परेशान कर सकती है, इसलिए हल्का व सुपाच्य भोजन ही करें। यात्रा करते समय सामानों पर निगाह रखें, चोरी होने की आशंका है।
वृश्चिक राशि, आज के दिन कठिन परिश्रम को वरीयता देनी होगी, तो वहीं आलस्य आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। ऑफिस में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। अपनी परिस्थितियों का ध्यान रखकर दूसरों के साथ तालमेल पूर्वक कार्य करें। व्यापारी वर्ग आज अति उत्साह में व्यापार को लेकर गलत निर्णय लेने से बचे। वहीं दूसरी ओर व्यापार में कुछ नई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अन्यथा रोगग्रस्त हो सकते हैं। अगर आपकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है तो उसे नियमित बनाने पर जोर दें। निकट संबंधियों व परिजनों से मतभेद होने की आशंका बनी हुई है। धनु राशि, आज के दिन समस्या का हल मिलता नजर आ रहा है, जिससे आपके रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। ऑफिशियल कार्यों को कल के लिए टालना ठीक नहीं होगा, ऐसे करने से बचें। टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित बिजनेस करने वालों को अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। सेहत में जिनको गठिया से संबंधित समस्या है, उनको इलाज पर जोर देना चाहिए। ऐसे से संबंधित घर से संबंधित इंटीरियर कार्य रुका हुआ है, तो उसको निपटाने का प्लान बना सकते हैं। भूमि या मकान खरीदने के लिए लोन लेने वाले अब देर ना करें। ग्रहों की स्थितियां आपकी संपत्ति में वृद्धि का योग बना रही हैं। मकर राशि, आज के दिन बुद्धि और विवेक का सहारा लेते हुए अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने अधीनस्थों व सहयोगियों के कार्यों पर भी पैनी निगाह बनाकर रखनी चाहिए। जो व्यापारी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वे आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम लें। युवा वर्ग क्रिएटिविटी पर ध्यान दें और अपने पंखों को नई उड़ान। विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो जिन लोगों को स्टोन से संबंधित समस्या है, वह अलर्ट रहें। आज दर्द परेशानी का कारण बन सकता है, पड़ोसियों से बनाकर रखें। आज किसी बात पर उनसे विवाद होने की इस आशंका है। कुंभ राशि, आज के दिन स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। ऑफिस में कार्यों पर पैनी निगाह बनाए रखें, अन्यथा गलतियां हो सकती हैं। पुलिस या सैन्य विभाग से जुड़े लोगों को का स्थान परिवर्तन हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर विदेश में नौकरी करने वालों को परदेश वापस आ सकते हैं। नौकरियों को धन कमाने के लिए नहीं, अपितु व्यापारिक तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन लोगों को किडनी से संबंधित समस्या है, उनको खान पान से परहेज करना होगा, तो वहीं दूसरी ओर साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना होगा। पिता व पितातुल्य की प्रसन्नता आपके आत्मबल में वृद्धि करेगा। मीन राशि, आज के दिन जिम्मेदारियाँ कंधों पर आ सकती है। प्रभु का ध्यान और पूजा अर्चना करने से आपको लाभ होगा। ऑफिस के टूर पर जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को भली भांति चेक कर लें, वरना समस्या हो सकती है। कर्ज मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए जिन व्यापारियों ने बड़े ब्याज पर धन लेने रखे हैं, तो उसे चुकाने की व्यवस्था आरंभ कर दें। यदि आप भी किसी बीमारी का इलाज चला रहे हैं, तो नियमित तरीके से जीवन को बनाने की कोशिश करें। माता पिता की बातों पर ध्यान दें, उनकी बातों को इग्नोर करना विवादों को जन्म दे सकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।